आपके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप की जीत के बाद भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रविवार को कहा कि ट्रंप की जीत से दुनिया के कई देश चिंतित है, लेकिन भारत ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से चिंतित नहीं है। जयशंकर मुंबई में आदित्य बिरला ग्रुप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सिल्वर जुबली इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, ट्रंप ने जीत के बाद विश्व के जिन तीन नेताओं से सबसे पहले बात की, मोदी उनमें से एक थे। जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी के कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। जब वे पहली बार वॉशिंगटन डीसी गए तब राष्ट्रपति ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप थे, फिर जो बाइडन। उनके लिए बहुत नेचुरल है, वे वर्ल्ड लीडर से मजबूत व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं, इससे भारत को मदद मिलती है। 5 नवंबर को अमेरिका में हुई राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस को हरा दिया है। ट्रंप ने 50 राज्यों की 538 में से 312 सीटें जीती है। वे 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। एक एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि वे भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। उन्होंने दुनिया में शांति के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही। बुधवार को आए नतीजों में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी 270 इलेक्ट्रल वोट के मुकाबले 295 वोट हासिल कर लिए हैं। एरिजोना और नेवाडा में काउंटिंग अभी जारी है। दोनों राज्यों में कुल 17 इलेक्ट्रल वोट्स हैं। यहाँ भी ट्रंप लीड कर रहे हैं। इलेक्ट्रल कॉलेज ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।